एमपी साहब, आपने आज दौरा किया था, सिविल लाइन का भी किया, अमृत योजना का भी किया और हॉस्पिटल का भी दौरा किया था, क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, जिस हिसाब से हॉस्पिटल में गया था, हॉस्पिटल में माननीय प्रधानमंत्री ने मीटिंग में ये बात रखी थी कि देश के अंदर में वैक्सीन जिस हिसाब से देश के वैज्ञानिकों ने बनाई है, और एक बहुत बड़ी आपदा इस देश के अंदर में आई थी, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री ने आपदा को बहुत ही गंभीरता से लेते हुए इस देश को निकाला उसमें से, और अब जिस हिसाब से वैक्सीन सब जगह लग रही है, उसी के तहत में हमें ऊपर से आदेश थे कि जहाँ जहाँ वैक्सीन लग रही है उन सब जगह जाएं, उन लोगों से मिलें, लोगों की क्या फीलिंग है, डॉक्टर्स की क्या फीलिंग है, कितने लोग आ रहे हैं। तो मैं समझता हूँ, जैसे कि कांग्रेसी लोगों ने चलाया था कि ये बीजेपी की वैक्सीन है, अखिलेश जी ने ये कह दिया था, अरे ना बाबा ना, ये तो बीजेपी की वैक्सीन नहीं लगवाऊंगा, आज उस वैक्सीन को लोगों ने इतना माना है और हर आदमी बाहर निकल के आ रहा है और वैक्सीन लगवाया जा रहा है। इसलिए मैं गया था, पहले भी मैं डॉक्टर और नर्सेस को जैसे माननीय प्रधानमंत्री ने भगवान का रूप माना था, मैंने यहीं गंगापुर के हॉस्पिटल में एक डॉक्टर्स के पैर छूकर लगे थे, फ्रंट पेज पर आप लोगों की खबर छापी थी, तो उसी के तहत में आज भी डॉक्टर्स उसमें काम कर रहे हैं, और मैं समझता हूँ वैक्सीन लगा के एक बहुत बड़ा काम इस देश के वैज्ञानिकों ने डॉक्टरों ने किया है। एक केंद्र सरकार की सर योजना का निरीक्षण भी किया आपने? मैं समझता हूँ जिस हिसाब से माननीय प्रधानमंत्री ने हमारे लोकसभा क्षेत्र के अंदर में 3 शहरों को 200 करोड़ रुपये दिए थे, 200 करोड़ रुपए गंगापुर को मिले थे, उसी के तहत में और कई काम भी हुए थे, लेकिन पेयजल और उसके सीवर के लिए 136 करोड़ रुपए उसमें से खर्च किए जा रहे हैं। उसके कारण ये था कि मैं काफ़ी शहर में दिक्कत आ रही थी, क्योंकि उधर तो बाजार में लोग बाहर से आ रहे थे परचेज करने, मौसम है शादियों का, अब जब भी लोग आते थे तो इतनी मिट्टी उठती थी, ऊबड़ खाबड़ था, लोग गिर रहे थे। तो मैं आज से 15 दिन पहले आया था, तो पूरा उसमें बाजार में विजिट किया था, अधिकारियों के साथ लेकर किया था, उन गलियों में तो काफ़ी कुछ काम हो गया है, लेकिन काम जिन नॉर्म्स के अनुसार में होना चाहिए, जिसके हम पैसे दे रहे हैं। और मैं आपके माध्यम से कह भी जाऊँगा, L&T कंपनी एक बहुत बड़ी कंपनी है, L&T कंपनी काम कर रही है, उसके बाद भी काम में इतनी खामियां हैं कि जिसकी कोई हद नहीं, मैं उस बात से बहुत दुखी हूँ, मैंने खुद को देखा है, अभी मैंने सुबह सब जगह जाके देखा है, और ये लोकसभा के बाद में फिर मैं दोबारा एक दौरा करूँगा और अधिकारियों को सबकी मीटिंग लेते हुए करूँगा, बाजार को खोद के पटक रखा है हमने, असल में जहाँ भी पाइप कटता है रोड को पाइप कटने के बाद में हमने 4 इंच को उस नीचे CC लिए और उसके ऊपर 4 इंच पीसीस करके, नीचे 4 इंच पीसीस आएगी, ऊपर 4 CC आएगी, ताकि रोड को बिल्कुल मेंटेन कर दिया जाए। अभी क्या हो रखा है, रोड को सारी उबड़ खाबड़ कर दी, पूरा बाजार चलने लायक नहीं रहा, उन सब के बारे में गंभीरता से देखते हुए मैं दौड़ करके आया हूँ, जो काम पीछे बता गया तो उनमें काफ़ी कुछ काम हो गया। एमपी साहब, एक राजस्थान में क्राइम बढ़ता जा रहा है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? मैं समझता हूँ जिस हिसाब से प्रशासन आज पूरे 4-6 महीने से पीछे, मैं अपनी भी बता देता हूँ, जिस हिसाब से बजरी का अवैध खनन बहुत जबरदस्त तरीके से हो रहा है, प्रशासन सारा उसमें बहुत ज़्यादा लुप्त है। आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ, बजरी का तो हम भी कई बार यूँ कहते थे कि कम से कम लोकल आदमी मकान बना रहा है, लोकल आदमी ही बजरी ला रहा है, तो चलो इनका काम चल रहा होगा, प्रशासन जो भी कुछ कर रहा है करने दो। लेकिन अब ताजुब इस बात का है कि जैसे पंजाब खत्म हो गया, ऐसे पंजाब जैसा माहौल फिर राजस्थान प्रदेश के अंदर में आ गया, उस बात से हम सब बहुत दुखी हैं कि प्रशासन जरा भी गौर नहीं कर रहा। आज समय के खुली एक मतलब दुकान पे भी, गली में भी, और जितना युवा वर्ग है सब इस समय के चक्कर में पड़ता जा रहा है, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब होती जा रही है। तो मैं चाहूँगा मतलब प्रदेश के मुख्यमंत्री को मैं आपके माध्यम से कहूँ कि अगर प्रशासन का अंकुश लगाए तो ये रुका जा सकता है, नहीं तो बहुत बुरी हालत में हो जाएगी नशेबंदी से। एमपी सर, एक चुनाव आने वाले जिला परिषद के भी, इस पर क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, जिला परिषद के चुनाव का मैं कहूँगा कि सरकार ने बहुत बुरा हाल कर दिया। कोई चुनाव कभी हो गए, कोई चुनाव कभी हो गए, जिस हिसाब से पहले से परंपरा चली आ रही थी, चाहे कांग्रेस ही राज आए, चाहे बीजेपी राज आए, लोकसभा के बाद में विधानसभा चुनाव होते थे, विधानसभा चुनाव के लोकसभा होते थे, और विधानसभा चुनाव के तुरंत मतलब 4-6 महीने के बाद में 1 साल के अंदर में सारे चुनाव खत्म हो जाते थे। आज ये हर 2.5 साल गवर्नमेंट को बने हुए हो गए। अब मेरे ताजुब यह बात है, जो आगे अब होंगे चुनाव, अब वो ना तो बीजेपी के राज में कहलाएंगे, ना कांग्रेस के राज में कहला पाएंगे, और ना ही वो CRDR और वो काम कर पाएंगे। तो मैं समझता हूँ ये प्रदेश की गवर्नमेंट ने बहुत लंबा समय लगा के ये मामले को सारे को खराब कर दिया, तुरंत चुनाव होने चाहिए थे। अभी मैं चाहता हूँ जिन दिन जल्दी हो चुनाव तुरंत करा देना चाहिए।